हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो एसी होता है उसको कितने एमएम की, मतलब कितनी मोटाई की तार लगाएं। जैसे कि दोस्तों, हमें पता है नॉर्मल मार्केट में जो एसी होते हैं वो 1 टन का होता है, 1.5 टन का होता है या फिर 2 टन का एसी होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम कितने एमएम की तार लगाएंगे, ये कैसे निकालेंगे, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमें पता है जो वायर्स होती है, मतलब जो तार होती है जो हम घर पे यूज करते हैं, वो 1 mm स्क्वायर की होती है। ऐसे ही दोस्तों 1.5 mm स्क्वायर की होती है, उसके बाद 2.5 mm स्क्वायर की होती है और 4 mm स्क्वायर की, उसके बाद दोस्तों 6 mm स्क्वायर की वायर्स हैं जो हम घरों में यूज करते हैं। तो दोस्तों, जो 1 mm स्क्वायर की वायर होती है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो वायर की मोटाई है और ये जो वायर्स हैं, ये सारी की सारी कॉपर की वायर्स होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो ये वायर है, ये कितना करंट अपने में से कैरी कर सकती है, फिर उसी के हिसाब से हम एसी के हम निकालेंगे कि जो हमारा एसी है वो कितने एम्पेयर करंट लेता है, उसी हिसाब से हम वायर को यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको मैं एक आसान सा तरीका बताऊंगा कि जो कॉपर की तार होती है, मतलब कॉपर की वायर होती है, वो कितने एम्पेयर करंट लेती है, तो वो कैसे निकालेंगे। हमें करना क्या है, जो भी 25 mm स्क्वायर से कम वाली कॉपर की वायर होगी वो दोस्तों अपने में से 6 गुना करंट निकल, मतलब पास होने देती है। जैसे मान लीजिए 1 mm स्क्वायर की वायर है, तो ये मतलब 1 गुना 6, तो 1 mm स्क्वायर की जो वायर है वो 6 एम्पेयर तक करंट अपने में से पास होने दे सकती है इजीली। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही जो 1.5 mm स्क्वायर की वायर है, 1.5 गुना 6 मतलब 9 एम्पेयर। ऐसे ही दोस्तों, अगर 2.5 mm स्क्वायर की तार है तो 2.5 गुना 6 तो ये हमारे पास आ जाता है 15 एम्पेयर। ऐसे ही 4 गुना 6 ये हमारे पास आ जाता है दोस्तों 24 एम्पेयर और 6 गुना 6 = 36 एम्पेयर। तो दोस्तों इस प्रकार से जो 1 mm स्क्वायर की वायर है वो 6 एम्पेयर तक करंट इजीली फ्लो अपने में से करने देती है, 1.5 mm स्क्वायर की 9 एम्पेयर, 2.5 की 15, 4 की 24 और 6 mm स्क्वायर की वायर है जो वो अपने में से 36 एम्पेयर तक करंट इजीली फ्लो होने देती है। तो दोस्तों अब हम क्या निकालेंगे कि हमारे पास जो एसी है वो कितना लोड लेता है, मतलब कितना करंट उसे चाहिए, फिर उसी हिसाब से हम इन में से तार को सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं 1 टन के एसी की। ठीक है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि एसी को कितने एम्पेयर का एमसीवी लगाएंगे, हम उसी प्रकार से निकालेंगे कि कितने एमएम की हम तार किसी भी टन के एसी को लगाएंगे, इस प्रकार से निकालेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 टन में कितने किलोवाट होते हैं। तो दोस्तों मैंने पहले वीडियो बनाई थी कि अगर हमें निकालना हो कि कितने टन में कितने किलोवाट होते हैं, तो अगर आप वो देखना चाहते हो तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। तो दोस्तों हमें पता है कि 1 टन में 3.5 किलोवाट होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास पावर आ गई है जो कि 3.5 किलोवाट है। ठीक है दोस्तों, तो पावर का फॉर्मूला होता है V×I और वोल्टेज जो होती है घरों में वो 220 वोल्ट यूज की जाती है सिंगल फेज सप्लाई में। अब हम क्या करेंगे, पावर और वोल्टेज को इस फॉर्मूले में डालेंगे और यहां से करंट की वैल्यू निकाल देंगे। तो दोस्तों अगर हम इस फॉर्मूले में इनको डालते हैं, 3.5 और ये वोल्टेज हमारे पास 220 और ये करंट मतलब आई हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, अब ये 3.5 है जो ये किलोवाट में है, हम इसे क्या करेंगे, पहले वाट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इसे वाट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको गुना कर देंगे 1000 से 220 × I। ठीक है दोस्तों, अब यहां से हम आई निकाल लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 3500 / 220। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है दोस्तों 15.9 एम्पेयर, अक्रॉस ये आ गया 16 एम्पेयर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मतलब जो हमारे पास 1 टन का एसी है वो 16 एम्पेयर तक फुल लोड लेता है। ठीक है दोस्तों, नॉर्मली इतना नहीं लेता है, इससे कम ही लेगा, मतलब फुल लोड जो 1 टन का एसी है वो 16 एम्पेयर लेगा। तो अब हम इस लिस्ट में से देखते हैं, तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो जो 2.5 mm स्क्वायर की तार है वो 15 एम्पेयर तक लोड ले सकती है। तो दोस्तों अब हम 1 टन के एसी के लिए 2.5 mm स्क्वायर की तार का यूज करेंगे। तो दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमने निकाला कि 1 टन के एसी के लिए कितने एमएम स्क्वायर की तार का यूज करना है। अब दोस्तों ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास 1.5 टन का एसी हो। ठीक है दोस्तों, अब हम फिर से 1.5 टन को किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे।
तो हमें करना क्या है, डेढ़ गुना साढ़े तीन। अब हमने साढ़े तीन से इसलिए गुना किया क्योंकि हमें पता है जो एक टन में साढ़े तीन किलोवाट होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब तो ये हमारे पास आ जाता है 5.25 किलोवाट, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब डेढ़ टन के एसी में 5.25 किलोवाट होते हैं। अब हम फिर से इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में डालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो जब हम इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में डालते हैं तो ये हमारे पास आता है 5250 भाग 220, 220 है जो ये वोल्टेज है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 23.86 एम्पीयर। तो अगर हम इसको अप्रोक्सीमेट लें तो ये हमारे पास 24 एम्पीयर आ जाता है। तो अब हम फिर से इस लिस्ट में देखते हैं कि कौन सी तार इतने एम्पीयर तक लोड ले सकती है। तो दोस्तों अगर आप इस लिस्ट में देखोगे तो ये 4 mm स्क्वायर की तार है वो 24 एम्पीयर तक लोड इजीली अपने में से ड्रा कर सकती है। तो दोस्तों इससे हमें पता लगता है कि जो डेढ़ टन का एसी है उसके लिए हम 24 एम्पीयर मतलब 4 mm स्क्वायर की वायर का यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ऐसे ही हम 2 टन के एसी के लिए निकालेंगे। तो दोस्तों हमें पता है 2 टन एसी में पहले कितने किलोवाट होने चाहिए, तो हम 2 को गुना करेंगे 3.5 से, तो मतलब 2 टन के एसी में 7 किलोवाट होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम फिर से इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में डालेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आता है 7000 भाग 220, यहां पर 220 है जो ये वोल्टेज है, ठीक है। तो अब हम इसे जब कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 31.81 एम्पीयर। तो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यूज होती हैं वो 32 एम्पीयर तक होती है। तो दोस्तों अगर अब हम इसको फिर से इस लिस्ट में देखेंगे तो ये हमारे पास आप देखोगे जो 32 एम्पीयर है वो 6 mm स्क्वायर की जो तार है वो 36 एम्पीयर तक लोड ले सकती है। तो मतलब हम 2 टन के एसी के लिए 6 mm स्क्वायर की तार का यूज करेंगे। तो दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा कि जो हमारा 1 टन का एसी है उसके लिए हम 2.5 mm स्क्वायर की तार का यूज करेंगे, डेढ़ टन एसी के लिए हम 4 mm स्क्वायर की तार का यूज करेंगे, ऐसे ही दोस्तों 2 टन के एसी के लिए हम 6 mm स्क्वायर की तार का यूज करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इजीली निकाल सकते हैं फिर चाहे कितने भी टन का एसी हो उसके लिए हमें कौन सी तार का यूज करना है। तो दोस्तों आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों मैं ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं, अगर आपको ऐसी बिजली या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइज़।